हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। आज का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ जीरो, यानी कि किसी भी संख्या में हम जीरो लास्ट से कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कि कोई भी डिजिट क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा दिया हुआ हो, उससे पूछेगा कि अंतिम से कितने जीरो होंगे, हाउ मेनी जीरो फ्रॉम द लास्ट, यानी लास्ट से जीरो की संख्या फाइंड करना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जो यहाँ पे लिखे हैं कि नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से जीरो की संख्या फाइंड करना है। तो फाइंड करने का एक आप देखते हैं क्या है, किसी भी नंबर का आप जीरो लास्ट से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम कुछ एग्जांपल से पहले इसको हम समझाते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आप 47 इंटू 93 इंटू 75 इंटू 25 इंटू 43, इसमें पूछ रहा है कि जब ये सारे डिजिट या जो नंबर दिया हुआ है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो जीरो होंगे अंतिम से कितने जीरो होंगे, लास्ट से जीरो फाइंड करना है। तो इसको तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हमको जीरो फाइंड करना है लास्ट से, तो क्या करेंगे, जीरो होने के लिए क्या 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 कंडीशन होना चाहिए। तो जीरो तभी होगा जब क्या है, वे कोई भी डिजिट हो, टू से मल्टीप्लाई हो या फाइव से, तभी जीरो आएगा। मान लेते हैं कि जैसे 4 × 5 किए तब जीरो मेरा आएगा लास्ट में 20, ये लास्ट में एक जीरो आया। उसी तरह से मान लेते हैं मेरा कोई डिजिट है 5 है और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी एक जीरो आने की पॉसिबिलिटी बनता है। यानी जीरो होने के लिए हमको क्या देखना पड़ रहा है, 2 और 5 की रिक्वायरमेंट है, जरूरत है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इसमें एक और बात है कि जीरो जब हम फाइंड करेंगे तो 2 वाले लेंगे या 5 वाले लेंगे। तो कहता है नोट में थोड़ा सा इसमें समझने की बात यह है कि लोअर पावर इक्वल टू लोअर पावर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो, यानी सबसे कम पावर जो होगा उसी को लोगे, उसको लेंगे तो हमको क्या देगा, नंबर ऑफ जीरो देगा, यानी लोअर पावर इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। तो यहाँ पे 47 में क्या नहीं 2 है नहीं 5, इसमें तो जीरो आने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, इसको छोड़ दिए। उसी तरह से 93 में जीरो तो कभी नहीं आएगा क्योंकि इसमें ना 2 आ रहा ना ही 5 आ रहा। अब आते हैं 75 में, तो 75 का हम फैक्टर करते हैं, ठीक है, 75 का जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 × 3 क्या हो जाएगा, 75, 5 × 5 = 25, 25 × 3 = 75। उसी तरह से जब हम 25 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 5 × 5 = 25। फिर 43 में क्या 2 और 5 होगा, नहीं होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना ही क्या है, बेकार है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। यानी हमको जीरो लाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, 2 और 5 चाहिए। तो इसमें से कितने 5 है, 1, 5, 2, 5, 3, 4 टोटल को मल्टीप्लाई, 5 × 5 × 5 × 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम एक समझा रहे हैं इसलिए इतना इसको देखते के साथ आप बनाइएगा, 1, 2, 3, 4 कितना पावर कितना हो गया, 4 हो गया, 5 पे पावर 4। तो ये जो क्या बताए थे कि लोअर पावर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरो, इसमें तो लोअर पावर का कनेक्शन है कि एक ही डिजिट है ओनली 5, तब तो डायरेक्ट जो पावर है वह मेरा लास्ट से जीरो बताएगा। यानी कितने ये सारे डिजिट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लास्ट से 4 जीरो होंगे, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 4 जीरो। अब नेक्स्ट एग्जांपल लीजिए, उससे ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा, विजुलाइजेशन भी होगा। पहले हम इसको इरेज करते हैं, आई होप इसका आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, पहले इसको इरेज करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई भी डिजिट लीजिए 29 × 34 × 43 × 77 × 28 × 12, इसमें कह रहा है कि लास्ट से जीरो की संख्या बताए,
फाइंड द जीरो फ्रॉम लास्ट। क्या 29 में 2 और 5 होगा? नहीं, इसको छोड़ दीजिए। हाँ, 34 में होगा, 2 इंटू 17 करेंगे तो 34 आएगा, लेकिन 17 से हमको मतलब नहीं है, जीरो होने के लिए हमको 2 और 5 की जरूरत है सिर्फ। 43 में भी नहीं है, 77 में भी की जरूरत नहीं आएगा, नहीं 2 आएगा नहीं 5 आएगा। हाँ बिल्कुल, 28 में आएगा, 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू करेंगे 7, 2 जा 4, अब 4 7 जा 28। उसी तरह से 12 का फैक्टर करते हैं, 2 2 2 3। अब इसमें क्या क्या हमको लिखना है, क्योंकि जीरो होने के लिए 2 और 5 चाहिए, 2 2 2 2 2, 5 है टोटल, यानी 2 पे पावर 5, तो कितने होंगे, पावर को लिखते हैं लोअर पावर इज इक्वल टू 0, लेकिन इसमें तो एक ही वो मेरा ही 2 ही आ रहा है, इसलिए कितने जीरो होंगे, 5 0। यानी ये सारा डिजिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जीरो होंगे, 5 0 होंगे, यानी कि जीरो लाने के लिए हमको 2 और 5 की जरूरत पड़ता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं। आई होप आप ले चुके होंगे। उसी तरह से नेक्स्ट देखिए, जैसे 12 इंटू 25 इंटू 15 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 35, इसमें से हमको क्या है, जीरो फाइंड करना है। 12 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 25 का फैक्टर 5 इंटू 5, 15 का फैक्टर 3 इंटू 5, 8 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 में तो क्यों नहीं 2 आएगा, नहीं 5 आएगा, 35 में 5 इंटू 7, हमको किसको देखना है, 2 और 5 को देखना है। तो 2 कितने हैं, 1 2 1 2 3 4 5, तो लिख देते हैं 2 पे पावर 5, 5 को काउंट कीजिए, 1 2 3 4, 5 पे पावर कितना है, 4। अब यहाँ जो हम नोट में लिखाए थे कि लोअर पावर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरो, तो इसमें 2 पे पावर कम है या 5 पे पावर कम है, तो देखते हैं लोअर पावर, इस पे पावर 5 है और इस पे पावर 4 है, तो लोअर पावर इक्वल टू होता है 0, तो नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, 4, 5 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम बता चुके हैं नोट में कि लोअर पावर इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, तो लोअर पावर कितना है, 4, यानी 4 0 होगा। ये सारे डिजिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितने जीरो आएंगे लास्ट से, 4 0 आएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसको पहले हम इरेज करते हैं। उसी तरह से है कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 70 70 तक जाना। अब पूछेगा इसमें क्या, लास्ट से जीरो बताइए, फ्रॉम फाइंड द जीरो फ्रॉम लास्ट, लास्ट से हमको क्या है, जीरो फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ये क्या है, कंटिन्यू है, लगातार है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 70 तक। तो क्या करेंगे, 70 का डायरेक्ट हम क्या है, फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर करेंगे तो हमको क्या है, जीरो फाइंड करने के लिए हमको 2 और 5 की जरूरत पड़ती है। अगर हम इसको 2 से डिविजिबल करते हैं तो 2 तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड करने से हमको क्या आ गया, 2 के कंपेरिजन में बहुत कम होगा 5, तो इससे हमको बेटर है फाइंड जीरो करना है तो 5 से ही डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करने के लिए इसलिए बेनिफिट है कि लोअर पावर इज इक्वल टू होता है 0, तो पावर जितना कम किस में होगा, 5 में पावर कम होगा, तो 5 से हम पहले इसको डिवाइड दिए 14, 5 से डिवाइड दिए 2 टाइम्स में, अब ये कैंसिल नहीं होगा, तो नहीं होगा, तो हमको क्या है, जीरो फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, इधर से ये देखिए, जितना आया इसको 5 से डिवाइड करने के बाद नीचे से सबको ऊपर क्या है, प्लस कर देंगे, यानी कि 2 प्लस 14 इक्वल टू 16 जीरो,
कोई आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये 1 × 2 × 3 × 2 अगर 70 तक हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट से कितने जीरो होंगे, तो कुछ नहीं करना है, लोअर पावर इज इक्वल टू जीरो, 5 से डिवाइड इसमें दिए, 5 से डिवाइड देने के बाद जितना भी अब इसमें डिवाइड नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे नीचे से ऊपर सबको क्या करेंगे एड कर देंगे जहां पे हम डिजिबुल किए, तो 2 + 14 टोटल जीरो को हम क्या करेंगे एड किए तो 16 जीरो आएगा। फिर नेक्स्ट ले इसको हम पहले इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, जैसे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × …100 इसमें बोलेगा लास्ट से जीरो की संख्या बताइए, लास्ट से जीरो की संख्या, तो क्या करना है कंटिन्यू है 100 में क्या करेंगे 5 से डिवाइड दे देंगे 25 से 4। अब ये डिजिबल होगा 5 से नहीं होगा, क्या बताए थे नीचे से ऊपर क्या करना सबको ऐड कर देना है, तो 4 + 20 = कितना जीरो होंगे 24 जीरो। अगर ये सारे डिजिट को आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 24 जीरो होंगे लास्ट से। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसके आगे हम बताते हैं, आई होप आप ले चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × …1000 से लास्ट से जीरो बताना है, लास्ट से जीरो की संख्या, कुछ नहीं करना है कंटिन्यू है 1000, इसमें किससे डिवाइड देना है 5 से डिवाइड दिए 200 times, 5 से डिवाइड दिए 40 times, 5 से डिवाइड दिए 8 times, 5 से डिवाइड दिए 3, यानी 1 time में 3 क्या है रिमाइंडर होगा, लेकिन 1 रिमाइंडर को नहीं लिखना, जितने टाइम्स में डिजिबल होगा उसको लिखें। अब तो ये डिजिबल नहीं होगा इसको हम क्या करेंगे नीचे से ऊपर सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1 + 8 + 40 + 200 यानी कि 249 जीरो होंगे लास्ट से जब ये सारे डिजिट को नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसके आगे हम बताते हैं, उसके बाद है कि 2 × 2 × 5 × …555 के गुणनफल में यानी के प्रोडक्ट में अंतिम से शून्य की संख्या, अंतिम से शून्य की संख्या बताएं कितने शून्य होंगे। तो हम क्या बताए थे कि लोअर पावर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ जीरो, ये देखिए 2 पे कितने पावर है 222, 5 पे कितने पावर है 555, दोनों में लोअर पावर किसका है तो ये है 222 और यहाँ पे है 555, तो लोअर तो यही है, इसमें कितने जीरो होंगे लोअर पावर है 222 जीरो, जब इस प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरो होंगे 222 जीरो। फिर नेक्स्ट बताते हैं इसके आगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई होप आप ले चुके होंगे, आज इसको यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है अपने दोस्त के साथ लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और ऐसा ऐसा वीडियो हम बहुत अपने प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।